हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हालचाल आप सभी के गाइस। आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉलपेपर्स के बारे में। आपके साथ भी ये काफ़ी बार हुआ होगा कि जब भी आप किसी फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव का फ़ोन देखते हैं तो उसमें आपको लगता होगा भाई ये इतना ज़बरदस्त वॉलपेपर यूज़ कर रखा है इस बंदे ने, ऐसे वॉलपेपर मेरे फ़ोन में क्यों नहीं चलते। ओबियसली आपके फ़ोन में भी चलते हैं, बट आपको बस ये नहीं पता होता कि आपको कहाँ से डाउनलोड करने, कैसे यूज़ करने, कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी ऐप्स, सिर्फ तीन ऐप्स के बारे में बात करेंगे। तीनों ऐप के थ्रू आप इतने अच्छे अच्छे वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले लाइव वॉलपेपर, फिर बात करते हैं 4K वॉलपेपर, और फिर बेसिक वॉलपेपर हाई क्वालिटी के आप इजीली उन ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं अपने डिवाइस में। सो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले अपना छोटा सा इंट्रो हो जाए। सो गाइज मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर बंदे जो इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं वो ज़्यादातर 4D वॉलपेपर में इंटरेस्ट रखते हैं। सो गाइज हमारी लिस्ट में सबसे पहली जो ऐप आती है वो आती है 4D वॉलपेपर की ऐप। उस ऐप का नाम है पिक्सल 4D। ईजिली उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। और गाइज फटाफट से इस ऐप को अपन ओपन करते हैं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 4D वाले वॉलपेपर यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन में जायरोस्कोप होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपके सभी के फ़ोन में जायरोस्कोप होगा, क्योंकि आजकल तो 6,000 से 7,000, 8,000 के फ़ोन में ईजिली आपको जायरोस्कोप मिल जाता है। सो गाइस फिलहाल बात करें इस ऐप के बारे में, तो इस ऐप का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का एकदम सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर मिलेंगे 4D वाले, तो इजीली आप कोई भी चूज करके यूज़ कर सकते हैं। गाइस इस ऐप में आपको 95% जो वॉलपेपर है वो फ्री मिल जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे वॉलपेपर भी है जिनके लिए आपको पेड करना पड़ता है, बट उनके लिए भी आपको कुछ भारी अमाउंट पेड नहीं करनी पड़ती, सिंपली आपको 800 रुपये पेड करने पड़ते हैं। बट मेरे हिसाब से जो फ्री वाले वॉलपेपर वो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मेरे हिसाब से आप फ्री वाले ही यूज़ कीजिएगा। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको कुछ वॉलपेपर सेट करके दिखाता हूं। सो गाइस जिस तरह आप अपने डिवाइस में 4D वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब आप कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से चूज करके सेट कर सकते हैं। सो गाइस जब बात करते हैं लाइव वॉलपेपर्स के बारे में, तो जो लाइव वॉलपेपर की ऐप आती है वो आती है 4K वॉलपेपर के नाम से, तो इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और अब बात करते हैं इस ऐप के बारे में। सो गाइस चलिए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस देखने को मिलता है, और इसमें आपको नीचे की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 4D वॉलपेपर वगैरह और काफ़ी सारी कैटेगरी है, बट यहाँ पर जो लाइव वॉलपेपर है वो इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको इस ऐप में सिर्फ लाइव वॉलपेपर ही यूज़ करने हैं। सो गाइस वैसे तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ऑप्शन तो काफ़ी सारे मिलते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ अपने फेवरेट वॉलपेपर यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात ये है कि जब भी आप कोई अपने स्क्रीन पर लाइव वॉलपेपर सेट करते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। जब भी आप कोई लाइव वॉलपेपर सेट करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइव वॉलपेपर हमेशा चलते रहते हैं, तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी, आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलेगा। ऐसा नहीं 10% तक 20% कंज्यूम हो जाएगी और आपको बैटरी बैकअप 10% 20% का डिफरेंस पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको 2-4% का ईजिली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा।
सो गाइज फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर वन पर आने वाली ऐप के बारे में। सो गाइज इस ऐप का नाम है 4K वॉलपेपर। इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं कि ये ऐप हमारे नंबर वन पर क्यों आती है। सो बेसिकली इस ऐप के नंबर वन पर आने के तीन रीज़न है, पहले क्वालिटी, फिर क्वांटिटी और फाइनली जो रीज़न है वो कैटेगरी, यानी जो भी ये तीनों चीज़ है जिसमें भर भर के हैं। सो गाइज जब भी आप इस ऐप में राइट स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कैटेगरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कैटेगरी में, तो आप कोई भी आपके हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ वॉलपेपर दिखाता हूं। सो गाइस ये जो हल्क वाला वॉलपेपर है ये आपने मेरी स्किन पर पहले भी देखा होगा। एक्चुअली मैं मार्वल का काफ़ी बड़ा फैन हूँ तो मेरे को ये वॉलपेपर काफ़ी पसंद आते हैं। इसमें यहाँ पर आपको हल्क के, स्पाइडरमैन के, थोर के वगैरह वगैरह, और इनके अलावा आपको मार्वल के काफ़ी सारे कैरेक्टर के यहाँ पर वॉलपेपर ईजिली मिल जाएंगे, वो भी 4K में। तो इजिली आप उन्हें यहाँ से चूज करके, सिलेक्ट करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो आपको यदि एनिमल के जो वॉलपेपर वो पसंद आते हैं तो वो भी आप इसमें सिलेक्ट करके, चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी कैटेगरी है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी वॉलपेपर चूज करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज इस तरह आप अपने डिवाइस में काफ़ी कूल वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और गाइज आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप अभी अज्यूम कीजिए कि आपके हिसाब से इस चैनल पर कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए। यदि आपको लगे कि 2500 से कम होने चाहिए तो आप इजीली जा सकते हैं, बट यदि आपको लगे कि इस चैनल पर 2500 से तो ऊपर सब्सक्राइबर होने चाहिए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइज मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।